सर मेरा नाम कौस्तुभ प्रजापति और मेरे साथी गौरव बड़ा कुमार महतो और ये बहुत राजू बहुत अग्रवाल और ये गौर यमन कुमार हैं और हम गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के छात्र हैं। हमने कम्युनिटी को प्रोत्साहन करने के लिए मुखिया बनाया है। आप लोग जानते हैं कि आज की कम्युनिटी की मुख्य समस्या में जल स्तर को बहुत ही ऊपर लिया जाता है और इसमें इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके राख को डायरेक्ट नदी में डाल दिया जाता है, जिससे राख नदी प्रदूषित होती है और उसके निचली सतह पर दलदलापन छा जाता है, जिसके कारण जो नदी का पानी होता है वो नीचे नहीं जा पाता, जिसके कारण लगातार जल स्तर की कमी होती जाती है। इसके लिए जब ये समस्या हमने जाना तो इसके सल्यूशन के लिए के रूप में हमने मुखिया को बनाया। वृक्षारोपण के बारे में तो मनुष्य समुदाय के बाद हमने राख को विसर्जन कर देते हैं, तो हमने सोचा कि उसमें विसर्जन ना करके हमने इस मुख्य माड़ा में विसर्जन करें, जिससे नदियाँ गंदली नहीं होगी और नदी की भू जल स्तर बढ़ते जाएगी। देख रहे हैं नदी का मॉडल है, उसके अंदर हमारा मुख्य रोबोट किस प्रकार कार्य करता है। यह एक ब्रश लगा है जो कि नीचे जो राख होता है जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा पाता, वह राख को यह हटा लेता है और यहाँ एक पंखा लगा है जिसको पानी और राख दोनों को मिला देता है और यह हमने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया है, यह पानी और राख को खींचता है और पानी को फिल्टर करके बाहर कर देता है, जिससे हमारा नदी प्रदूषित नहीं होता है और लगातार जल स्तर बढ़ते जाता है।